पूरा आपको दिल्ली स्टेट 22nd दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप जो होने जा रही है वो पूरा मैं कवर करूँगा, उसकी सारी एक एक चीज़ें आपको दिखाऊँगा, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। हमारा सेंटर कम इधर सारा हमारा सिटिंग है, उधर आप उधर जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी स्टार्ट होंगे गेम्स, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लगभग 11-12 बजे से हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो इधर हमारी 5 टेबल लगने वाली हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सारा ऑनलाइन है, कोई हमारा पेपर वर्क इस बार जैसे पहले होता था इस बार हमने सारा चेंज किया है। और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, LED स्क्रीन पर हमारी टाई सीट चलेगी, कोई मैनुअल टाई सीट नहीं होगी, तो फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है ये पूरा व्लॉग, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सो कीप वॉचिंग। तो आओ दोस्तों आपको मिलाता हूँ यहाँ के हमारे कर्ता धर्ता। हाय फ्रेंड्स, इस बार बहुत अमेजिंग होने वाला है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है इस बार एथलीट्स का रहा है और दैट इज़ अमेजिंग। और इसका काफ़ी सारा क्रेडिट मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रो पंजाली को भी जाता है, जो प्रो पंजाली क्लास अभी हमारी हुई थी उसकी वजह से जो बूम आया है और जिस हिसाब से जो क्रेज़ बना है और जो TV पे आया गेम, तो रियली अमेजिंग था, वो गेम चेंजर था। और इस बार दिल्ली में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा आपको, इस बार हमने कोशिश की है कि सारा ऑनलाइन सिस्टम से हो और शायद ये हमारे लिए भी बड़े प्राउड की बात होगी कि हम लोग जो है इसको ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कराने जा रहे हैं। पेपर वर्क लेस पेपर वर्क है, जिसमें पेपर वर्क नहीं कर रहे हैं हम लोग, और सारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रही है, फिक्सर्स भी ऑनलाइन होंगे, मैचेस भी आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। तो आप कनेक्ट रहिए और ये जो हमारा 22nd दिल्ली आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप डेफिनेटली आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सर। ये हमारा अमित, हमारा हेड रेफरी प्लस एथलीट, कल देखने को मिलेगा आपको मेरे मैच 100+ में। इस बार ओपन वेट कैटेगरी है बेसिकली 110+ सुपर हैवी वेट। भाई मैं खास चीज बताता हूँ, लक्ष्मण सर है हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है, सारी चीज करते हैं, इनके हाथ में सब कुछ है, बट ये अपना बॉडी वेट खुद देके अपना आई कार्ड बनवाते हैं। तो ये एग्जांपल सेट है, आपके एग्जांपल सेट कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, ये गेम का डिसिप्लिन सबके लिए है। 71 केजी आ रहा था, इन्होंने अपना वेट कम किया, 70 में खेल रहे हैं। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, पहला रजिस्ट्रेशन मेरा होगा। दोस्तों इंडिया के जनरल सेक्रेटरी वेइंग दे रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, आप सीखो इनसे कुछ। 70 बिल्कुल तैयार रहिए। और आपको सिस्टम में एक वहां लगाया हुआ है हमने, वहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक साइड में ये दो टेबल का उस साइड जाएगा, दो एक टेबल के आप इस साइड की स्क्रीन से देख सकते हैं। छोटा तालियों के साथ गगराहट थी, आप टीम के खिलाड़ी हाथों में जान है तो तालियां भी उसी जोर से होनी चाहिए। या संजय देशवाल, ऑर्गेनाइजर रॉयल स्पोर्ट्स क्लब
जो कि एफिलिएटेड हैं पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन से, आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ न्यू दिल्ली, और आप सब जो प्रतिभागी हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं इस इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और हमारे जो दर्शक प्रोग्राम हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारा यूथ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी की तरह से देखे, एक ऐसे चैलेंज की तरह से देखे कि वो हमारे फिजिकल और मानसिक दोनों विकास में सहायक होती है। जो ओपनिंग होती है हमारी वो हाथ में पंजा लगा के होती है, उसके बाद हम लोग राष्ट्रगान करेंगे और उसके बाद हमारी प्रॉपर मैच की हमारी शुरुआत होगी। तो मैं ऑनरेबल सर, बाकी हाथ पे जान है सर, टोपोल की पोजीशन से बहुत ज़्यादा। चलिए सर एक मैच, ठीक है, रेडी गो। हाँ सर, गेम करते हैं। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल मंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगत तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच। कहेंगे आपको कोई भी तकलीफ कोई भी दिक्कत हो आप इन दोनों को अप्रोच कर सकते हैं और सारा टेबल का मैनेजमेंट यही लोग संभालेंगे। तो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज आप कैरी ऑन करेंगे और डिप्यूट करें जो लकड़ी गुजर है। और यूथ में भी जिनका हो गया है रजिस्ट्रेशन, यूथ का और सीनियर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग जो यूथ और रजिस्ट्रेशन है, मास्टर है, यूथ है, जो रह गए हैं वो सारी ओपन कैटेगरी के वहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मिस्टर प्रवीण डवास, जोरदार तालियां बजनी चाहिए जब तक वो मंच पे ना आ जाए। जब तक मिस्टर प्रवीण डवास पंजली गौरव बॉलीवुड स्टार हमारे बीच यहाँ पर मौजूद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण सर से कि वो प्लीज यहाँ आए। दिल्ली के अध्यक्ष विजय मानव जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां हमारे बीच, और हमारे चेयरमैन साहब श्री रविंद्र गुप्ता जी, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती है। हेलो, हमारे भाई प्रीति जानकारी प्रीति जांगियानी में हमारे बीच आ चुकी हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कि रजिस्ट्रेशन 500 से ऊपर हुए हैं तो इतना एक्साइटमेंट है सबके बीच में, बहुत अच्छी बात है। और आम रेसलिंग में क्या हो रहा है आजकल आप सबको तो मालूम ही है और इससे भी बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा लक्ष्मण भाई को और पूरे दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन को, हमेशा इतना बढ़िया चैंपियनशिप करते हैं और ये कंप्यूटराइज सिस्टम भी आपकी बार चालू किया है, करें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये गेम बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी और भी आगे बहुत बढ़ेगा, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग देख चुके हो। ये गेम में बच्चे बहुत हैं, बहुत आ चुके हैं, आपको मालूम है कॉम्पिटिशन बहुत है, प्रो
पंजा लीग अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड आर रेसलिंग फेडरेशन बोल रहे थे। और इस साल से आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी इंडिया में देखना शुरू करेंगे, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो होंगे जो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे। प्रो पंजा लीग में भी वो लोग रहेंगे और वो लोग आगे जाएंगे जो सबसे ज्यादा कमिटेड है, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। कि सनी देओल जी ने भी इतना बड़ा हमारे लिए प्रोमो बनाया, ढाई किलो का हाथ, उन्हें हमारे प्रो पंजा लीग टेबल के साथ मिलके उन्होंने ये प्रोमो, ये बात बोली अपनी लाइन। सुनील शेट्टी जी हमारे साथ मिल चुके हैं, तो ये तो शुरुआत है, पहले सीजन में ये सब हो चुका है। अब ये दूसरा सीजन और भी बहुत बड़ा होने वाला है और ये आगे चलता ही जाएगा, तो ये गेम बढ़ता ही जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते ये गेम को हम लोग मिलके इतना आगे लेके जाएंगे, लेकिन टेबल पर आप लोगों ने ये खेला। देखो आपके साथ संजय देसवाल जी खड़े हैं, जो रोहतक ग्राउंड्स के कैप्टन भी हैं, इतने बड़े स्टार हैं। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, फॉलो किया है कभी? 15 दिन के अंदर 6,000 से ज्यादा फॉलोअर हो गए, तो ये बहुत नया बताता हूँ, 2-3 महीने के अंदर लाख हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं, तो आपके हिंट है, आपके बीचों बीच बहुत बड़े बड़े आम रेसलर्स हैं जिनसे बात करके आपको एडवाइस लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए सर, कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, या आप इनके वीडियोस फॉलो कीजिए और इनसे कभी मिलते हैं तो इनसे पूछिए। आपके यहाँ पे बहुत बहुत लेजेंड लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन प्यासे को कुआं तक आना पड़ेगा, करेक्ट? कुआं आपके पास नहीं आएगा कि आप सोचोगे कि हमारे पास फोन आ जाएगा जी कि ये करो, आपके पास फोन नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग करने के लिए, आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको ट्रेनिंग खुद करनी पड़ेगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट सब बच्चों को, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच भाई, ऑलवेज मोटिवेट करते हैं।